और फिफ्थ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें जो है आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। इसको देखिए ऐसे ब्रैकेट में रखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ध्यान दें ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव, सभी साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने नेगेटिव का साइन कॉमन लिया है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया, प्लस 4x हो गया और माइनस का 1 हो गया। अब जो बच्चों को नहीं सेटिस्फैक्शन है तो आप माइनस को वापस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का 4x मिल जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 मिल जाएगा, तो ऐसा ही तो मिल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हमने माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख लिया। अब क्या करें सर, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू इंट्रीगल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस बाहर ही रहने दो, ओके। अब इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो अंदर, कैसे करें, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें x का कोफिशियंट 4, 4 का हाफ करो 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को ऐड करो, हमेशा ऐड वाले को इसको पास रखते हैं, सब्ट्रैक्ट वाले को दूर, और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो और माइनस 1 तो था ही, सही है, ये हो गया ऐसा। अब यहाँ आप एक कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए, कोई फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं, और यहाँ से यहाँ तक इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए, सही है। तो i इज इक्वल्स टू इंट्रीगल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और इस कर्ली ब्रेसेस में ये बन गया आपका फॉर्मूला x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 5 हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब i इज इक्वल्स टू इंट्रीगल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें बच्चों ये माइनस इस पूरे में कॉमन था, वापस माइनस को अंदर भेजो, जब आप अंदर भेजोगे तो ये ब्रैकेट जो है आपका मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस, इसके आगे साइन कैसा हो जाएगा माइनस, और इसके आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसको पहले लिख लीजिए, और माइनस का आ जाएगा आपके पास क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है, ऐसा हो गया भाई, चेक करो ना, माइनस प्लस ये वाला हो जाएगा माइनस, इसको हमने बाद में लिख लिया, इसके आगे माइनस लगाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस का प्लस तो आगे लिखा नहीं जाता है तो ऐसे लिख दिया। अब 5 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, रूट 5 का स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ये बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला। अब करना कुछ नहीं है, एक्स प्लस 2 को टी रखिए, तो एक्स प्लस 2 को अगर आप टी रखेंगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके, तो ये जो आपका आई बच्चों चेंज हो जाएगा इंट्रीगल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस x प्लस 2 की जगह हम लोग t रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, t का स्क्वायर, और साथ में dx की जगह हम लोग dt रख देंगे, ठीक है, सिंपल है। अब i इज इक्वल्स टू इंट्रीगल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ t के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला तो सेम लगेगा क्या, 1/2 इंटू एक्स है यहाँ, मतलब t, 1/2 इंटू t इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और माइनस x की जगह t, t का स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि रूट 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x था, तो साइन इनवर्स t हो जाएगा यहाँ, और प्लस c हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों थोड़ा सा, तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें t की जगह कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू 1, x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2 और बाय 2 इंटू रूट ओवर, अब ध्यान दें रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और माइनस का t का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन में दिया है वही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस, अब कुछ बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर, t क्या है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, चलो सॉल्व करो, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस, इसको ब्रैकेट में ही एक्सपैंड कर लो क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू इंटू बी, यानी कि 4x, अब खोल दो इसको, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4x, सही है, माइनस अंदर भेजोगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, अब 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 1, तो जाएगा रूट ओवर 1 और माइनस का, तो ये हो गया माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसा ही आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। रूट 5 का स्क्वायर 5 बाय 2 और साइन इनवर्स ऑफ टी, टी की जगह हम लोग एक्स प्लस 2 रख सकते हैं, एग्जाम में आप ऐसे मत कर देना साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 2 का साइन इनवर्स लिया गया है, एक्स का नहीं लिया गया केवल, ये अलग चीज़ है, इसका क्या मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स फिर प्लस 2 है, मतलब साइन इनवर्स एक्स लो फिर उसमें 2 ऐड करो, ये मतलब है, और ब्रैकेट लगा दोगे तो एक्स प्लस 2 का साइन इनवर्स लेना है, ओके, बात समझ में आई कि नहीं, तो ये चीज़ है ऐसे, तो आपका ये फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लीजिए।
यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों एक मिस हो गया है, ए स्क्वायर बाय टू साइन वर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। तो आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर टू जब हमने किया था है ना, उसमें ए की वैल्यू कितनी थी, वन थी। तो जब हमने वहाँ पर फाइनल आंसर किया था तो हमारा क्या आया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन टी के फॉर्म में, टी अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी थी वहाँ, वन, इसलिए कोई फर्क पड़ा नहीं था, आंसर आ गया था। तो ये मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था। अब यहाँ पर फर्क इसलिए पड़ गया, साइन इनवर्स ऑफ वॉट, टी अपॉन ए होना चाहिए, ए क्या है यहाँ रूट फाइव है, तो ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ टी, टी की जगह एक्स प्लस टू अपॉन में रूट फाइव, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैं आपको फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, ये मेरे से मिस हो गया था, ओके नोट कर लीजिए।